गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज के लिए करंट अफेयर लेके आएँ। तो आप लोगों को अगर किसी भी वीडियो में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बताइए, हम आपको उस चीज़ के ऊपर क्या करेंगे अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए देंगे। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, और कम से कम अपने कम से कम 10 या 15 दोस्तों के साथ या 20 दोस्तों के साथ उस कमेंट पर और कमेंट करवाइए पूरी उसी टॉपिक को लेकर। हम आपको उस टॉपिक को लेकर अलग से वीडियो बनाएंगे और पर्सनली ही शेयर करेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आज का क्या करते हैं पल्लू, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया किसका, देखिए ठीक है। अब ये पूछो कि पारिवारिक प्रेषण क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, अभी कभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पेरेंट्स क्या होते हैं, या मतलब मम्मी या पापा जो बाहर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब करते हैं वहाँ पे वो पैसे भेजते हैं आपके पास, तो उसी को कहते हैं पारिवारिक प्रेषण, ठीक है। इतना लेंदी लैंग्वेज में समझाना है कि हाँ ऐसा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि जब आपके मतलब फैमिली में कोई मेंबर या कोई आपके रिश्तेदार जो बाहर काम करते हैं अपनी फैमिली में क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं वहीं से, तो उसको कहते हैं पारिवारिक प्रेषण, ठीक है। तो उसी के तहत क्या किया गया, सरकार द्वारा पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कौन सा पारिवारिक प्रेषण का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इसके लिए प्रवासी कामगारों, ठीक है, प्रवासी कामगारों के प्रयासों के अवलोकन के लिए ठीक है, अवलोकन करता है या अवलोकन के लिए, ठीक है, मतलब कि जो लोग आपके बाहर काम करते हैं, ठीक है, बाहर से पैसे भेजते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए उन्हें जिस जगह वो रह रहे हैं गांव में वहाँ पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो बाहर क्या करते हैं, वो काम करने जाते हैं, तो जब वो काम करने बाहर जाएंगे तो वहाँ से पैसे भेजेंगे, तो उसी को कहेंगे पारिवारिक प्रेषण। अब ये सेकेंड बार है, दो तीन बार और समझाएंगे आपको, अगर नहीं आता है समझ में तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और प्रवासी कामगारों के प्रयासों के मतलब इस तरह के प्रयासों का अवलोकन के लिए क्या किया, सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई 2022 की भी, इसके क्या रखी गई थीम 22 की, इसकी थीम क्या है, देखिए बहुत बढ़िया थीम है, ठीक है। इसके तहत देखिए ये क्या किया गया, लोगों द्वारा इस तरह के काम को देखते हुए मोदी सरकार, मतलब मोदी सरकार नहीं बोले, सरकार द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा इस चीज़ को देखा गया, ठीक है, और इस चीज़ को परखा गया, और लोगों के इस महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरकार ने इस दिवस को क्या किया, घोषित किया। और ये कब आया था ये आपको पूरा बताते हैं, इसकी थीम क्या रही, डिजिटल और वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन, पुनर्प्राप्ति और क्या है, लचीला लचीलापन, ठीक है, क्या है इसका थीम क्या है, डिजिटल और वित्तीय समावेश के माध्यम से
पुनर्प्राप्ति और लचीलापन मतलब क्या है, जैसे कि आप किसी को पैसे भेजते हो तो हाथ से तो भेजते नहीं होगे, वहाँ से डिजिटल माध्यम के द्वारा उस पैसे को भेजते होगे। तो ये डिजिटल माध्यम से वित्तीय समावेश का माध्यम हो गया, जो कि पुनर्प्राप्ति मतलब कि आप उस स्टेट से हमारे स्टेट में भेज रहे हैं या बाहर विदेश में भी काम करते हैं कुछ लोग है ना, तो वहाँ से हमारे भेजते हैं। तो डिजिटल माध्यम से वित्तीय समावेश के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन के रूप में क्या किया गया, इस चीज़ को देखा गया है। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि अच्छे से अच्छे रूप में क्या किया, इस चीज़ को देखा गया है और इसी के माध्यम से लोगों के बारे में पता चला है कि लोगों ने किस प्रकार के कितना ट्रांजैक्शन किया है अपने घर परिवार को लेके, ठीक है, कितना पैसा बचा है। इस चीज़ को लिए सरकार इनका धन्यवाद करती है। और ये कब से मनाया गया, ये दिवस कब से मनाया गया, ये मनाया गया 2015 से, ठीक है, 2015 से लगातार क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ठीक है। इस दिवस को लगातार 2015 से क्या किया जा रहा है, हर साल क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसको कोविड के दौरान भी मनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखते हुए आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से मनाया जाता है कि परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसमें प्रवासी कामगारों के प्रयासों के अवलोकन मतलब उनके प्रयासों को उनके देखते हुए इस चीज़ को दिवस को मनाया गया। और इसका थीम क्या रखा, डिजिटल और वित्तीय समावेश के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन है। इसको कब पहली बार बनाया गया था, इसको बनाया गया था पहली बार 2015 से। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है, इससे आपके एक साथ कितने बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गए, तैयार हो गए। इसी को देखते हुए आपको वही बोल रहे हैं कि आप लोग इस टाइप से पढ़िए। अब आप चार विकल्प में पढ़ेंगे, चार विकल्प याद होंगे, ठीक है, इसमें आपको पूरा एक फ्लो में याद होगा और अच्छे से अच्छा याद होगा। अगर नहीं होता है अगर ये याद नहीं होता है तो आप वीडियो को दो तीन बार रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छे से अच्छा याद होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं आती है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपकी इस प्रॉब्लम को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, शुरू हुआ क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उनमें सा शुरू हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, हर साल क्या, मतलब हर साल नहीं, मतलब हर साल, हाँ हर साल मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम क्या किया, मतलब हर साल एक तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम क्या किया, आयोजित क्या क्यों किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे साहित्यिक लोग हैं मतलब जिनकी साहित्य को निखरे हुए साहित्य को लोगों के सामने लाने के लिए इस उत्सव को मनाया गया, तभी उसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उनमें सा शुरू हुआ, ठीक है। इसमें करते हैं आगे, ये कब शुरू हुआ, ये 16 जून को, कितनी तारीख को, ये 16 जून को ये उत्सव को क्या किया गया, शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के अंतर्गत, इंटरनेशनल ये नहीं है, नेशनल लेवल पे, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया गया, इसको शुरुआत किया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, 16 जून को शिमला में, ठीक है, 16 जून को शिमला के ऐतिहासिक गेट थ्री थिएटर में क्या हुआ, शुरू हुआ, गेट थर्टी टेपर में क्या हुआ, ये थिएटर में क्या हुआ, शुरू हुआ, कौन सा, 16 जून को शिमला के ऐतिहासिक गेट थ्री थिएटर में क्या हुआ, इस चीज़ को शुरुआत की गई, ठीक है। और अभी तक का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय,
ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा उत्सव रहा ये, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव में ये कह रहा सबसे बड़ा उत्सव रहा, ठीक है, ये सबसे बड़ा उत्सव रहा पूरे देश में, ये सबसे बड़ा साहित्य को लेके, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को लेके ये सबसे बड़ा उत्सव के रूप में मनाया गया है, ठीक है, और इसको अभी तक पहली बार आयोजित किया गया था, किया गया था, इसको पहली बार क्या किया गया, आयोजित किया गया था, ठीक है, इस चीज़ को देखा गया कि इसको पहली बार क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, और इसको भव्य रूप से मनाया गया, बहुत अधिक भव्य रूप से मनाया गया, कौन से थिएटर में क्या किया गया, इसको भव्य रूप से देखा गया, दिखाया गया, और इसकी अच्छी शुरुआत हुई, ठीक है। और अब क्या चलते हैं बोलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आप लोगों को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करिए हमसे, ठीक है, वो भी कमेंट के माध्यम से, हम आपका क्या देंगे, इसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। ठीक है, मरुस्थलीय और सूखे की कार्रवाई करने के लिए क्या किया गया, एक वैश्विक उत्सव मनाया गया, कौन सा, कार्रवाई करने के लिए एक वैश्विक उत्सव मनाया गया, ठीक है, और ये क्यों मनाया गया ये आपको भी समझाते हैं, ठीक है, किसके लिए, मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक क्या बनाया गया, उत्सव मनाया गया, अब ये क्यों मनाया गया ये आपको बताते हैं, ठीक है, इसमें ये इसलिए मनाया गया, इसका उद्देश्य डालते हैं कि उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य यह था मरुस्थलीकरण ठीक है, ये क्या है देखिए, मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक वहाँ वैश्विक उत्सव मनाया गया, इसमें इसका उद्देश्य क्या था, मरुस्थलीय और सूखे के प्रति जागरूकता को क्या करना, बढ़ावा देना, और सूखे के बचने के लिए क्या करना, सूखे से बचने के लिए तरीकों पर क्या करना, प्रकाश डालना, ठीक है, इस चीज़ का क्या है, तरीकों पर प्रकाश डालना, ये बताएगा मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए वैश्विक उत्सव का मतलब क्या था, इस चीज़ को बताया गया, ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने घोषित किया था, इसको किया था संयुक्त महासभा ने, महा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने,
कब किया था इसको? 30 जनवरी 1965 में, वो 1995 में घोषित किया था इसको। कितना? 1995 क्या किया था इस चीज़ को? घोषित किया था कि हम क्या करेंगे, एक वैश्विक स्तर के रूप में क्या करेंगे, इस चीज़ को मनाएंगे। किसके? एक वैश्विक स्तर के रूप में इस चीज़ को मनाया जाएगा। किसको मनाया जाएगा? मरुस्थलीय और सूखेकरण की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक स्तर के रूप में इस चीज़ को मनाया जाएगा। और इसको 2022 का थीम भी रखा है इन्होंने। क्या रखा? 2022 का भी क्या रखा है इन्होंने? एक थीम के रूप में क्या किया इस चीज़ पे रखा है, जिस चीज़ को हम आपको बताते हैं इसका थीम क्या रखा है, राइजिंग अप फॉर्म डॉट टुगेदर। ठीक है, ठीक है, राइजिंग अप फॉर्मिंग ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, राइजिंग अप फॉर्म ड्रॉट टुगेदर। ठीक है, इस चीज़ का क्या रखा गया? ये थीम रखा गया। क्या रखा गया? राइजिंग अप फ्रॉम होम ड्रॉइंग और टुगेदर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस थीम को क्या करना चाहिए आपको? अच्छे से अच्छा क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। अब एक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात सरकार ने कही है। ठीक है, जो आर्मी वाले लोग, जो आर्मी भर्ती होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कही, एक खुशखबरी की बात कही गई है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी आप जब सुनेंगे। ठीक है, सरकार ने क्या किया अग्नि भर्ती योजना के लिए? सरकार ने अग्नि पथ भर्ती योजना के लिए ठीक है, क्या किया? इसकी आयु क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। इन लोगों की क्या कर दी गई? आयु बढ़ा दी गई। ठीक है, कितनी बढ़ा दी गई ये भी बताते हैं आपको। किसकी? सरकार ने अग्निपथ पथ भर्ती परियोजना योजना के लिए क्या की गई? इसकी मतलब अधिकतम सीमा को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब लोगों द्वारा हुए विरोध के कारण इस चीज़ को क्या किया गया? बढ़ाया गया। इतना विरोध हुआ लोगों के द्वारा, इतना विरोध हो रहा है इसका, कि इस चीज़ को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब लोगों को क्या किया जाएगा इसके तहत? समझाया जाएगा उनको। ठीक है, इसकी आयु सीमा को बढ़ाकर क्या किया जाएगा? लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने 21 से 23 एज कर दी। और इसकी एक खासियत और है सरकार द्वारा कि 23 तक तो कर दी, मगर ये सिर्फ ये 2022 में ही एक बार लागू होगी। ठीक है, 2022 में क्या होगी? ये एक बार ही लागू होगी। ऐसा नहीं है कि दोबारा आई और दोबारा क्या करेंगे इस चीज़ को लागू करेंगे, ऐसा नहीं हो। सिर्फ एक बार के लिए क्या की गई? लागू की गई। इसमें युवाओं को 4 साल तक सशस्त्र बलों और नियमित कैंडर में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है,
क्या हुआ, युवाओं को 4 साल तक सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के सेवा में करने का क्या हुआ अवसर क्या हुआ प्राप्त हुआ। मतलब जिन लोगों का सपना है सेना में जाने का, तो उन लोगों के लिए एक तरह से इस अवसर को भी क्या कर दिया गया, सरकार द्वारा प्रदान किया गया। और इस योजना में कितने 46,000 समथिंग क्या किया गया पद को बताया गया, खाली किया गया 46,000 पद सेना के लिए सिर्फ। ठीक है, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारे पद हैं, सरकार इकट्ठे निकाल देगी ना, तो इतना मेरे को पता है कि देश के कम से कम 50% युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 50% युवाओं की कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। ठीक है, वो भी सरकारी के रूप में। ठीक है, फिर दामाद सरकारी ढूंढना, लोग दामाद सरकारी ढूंढते हैं, सरकारी हो तो मिले, फिर चाहे जैसी आई हो सो कर देते हैं ब्याह, जिंदगी बर्बाद होती है 4 लोगों की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात, ठीक है, मई 2022 में भारत का कुल निर्यात 24% रहा। ठीक है, 24% रहा। ठीक है, ये 24% कितना रहा, 62,021 बिलियन। ठीक है, 62,021 बिलियन डॉलर रहा। और यह 2021 में 24% सकारात्मक वृद्धि देखी। ठीक है, और 2022 में व्यापारिक निर्यात 20% से अधिक, 20% अधिक रहा। और इनका व्यापारिक निर्यात के बाद सेवा निर्यात ये कितना रहा, ये रहा 30% से अधिक। ठीक है, इस चीज को बताया कि भारत में मई में क्या रहा, मई 2022 में कुल भारत का निर्यात कितना रहा, 24% रहा, जो कितना था 62,021 बिलियन डॉलर था। और 2021 में 2021 में 24% अधिक सकारात्मक वृद्धि देखी गई इसमें। ठीक है, उसमें 2022 में ये व्यापारिक निर्यात 20% से क्या रहा अधिक रहा, और सेवा निर्यात कितना रहा, ये 30% से क्या रहा अधिक रहा। और महामारी की चपेट के बाद 3 साल बाद क्या क्या 2019 में यह पंजीकरण किस में 2019 में 2019 मई 2019 में ये कितना रहा 2.91 बिलियन डॉलर, जो 23% अधिक था। ठीक है, क्या रहा, जो 23% क्या था, अधिक था। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही, स्टूडेंट आप लोगों के लिए बस इतना ही आज के लिए। और बाकी की वीडियो आपका रिस्पांस अगर अच्छा मिलेगा तो आपको अपने जो आपको कंटेंट पढ़ना हो वो बताइए मेरे को, उस कंटेंट की वीडियो आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मगर आप लोगों को उस चीज़ को भेजना पड़ेगा कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, किस कंटेंट में आपको, किस बेसिस में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो आप आज के लिए अलविदा, और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और मिलते हैं कल की क्लासेस में।